काफी लोग कमेंट करते हैं कि 1600 मीटर रनिंग के लिए कितने किलोमीटर रनिंग करे, कितना रनिंग करे, रोजाना क्या वर्कआउट करे। तो दोस्तों किलोमीटर से रनिंग नहीं होती है इंडियन आर्मी की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। आज मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ, उसे आपको एक दिन करना है मॉर्निंग के टाइम पर, और वर्कआउट ऐसा है जो आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपके अंदर जो पावर है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या करना है आपको मैं बताता हूँ वीडियो के माध्यम से कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करना है और क्या वर्कआउट करना है। आपको पांच एक्सरसाइज करना है और उसके बाद आपको एक स्प्रिंट मारना है, लेकिन इसमें आपको कम से कम 3 बार आपको ये एक्सरसाइज करना है। और कैसे करना है वो चार पांच चीज़ें होगी क्या आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आपको इस दिन जिस दिन आप ये वर्कआउट करें उस दिन आपको रनिंग बिल्कुल नहीं करना है, मतलब जॉगिंग ही करना है, ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रनिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वर्कआउट आपको किस दिन करना है। तो चलिए करते हैं वर्कआउट की शुरुआत। मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर मिलूंगा कपिल यादव फोर्स के नाम से। तो दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट के वर्कआउट की शुरुआत में आपको क्या करना है, कैसे करना है वर्कआउट। तो दोस्तों वर्कआउट की शुरुआत करने से पहले आपके पास होना चाहिए स्टॉपवॉच, क्योंकि जो भी वर्कआउट है आपके स्टॉपवॉच पर ही रहेगा। 30 सेकंड आपको वर्कआउट करना है। अब 30 सेकंड वर्कआउट में सबसे पहला जो वर्कआउट रहेगा हाइनी बाउंस रहेगा। चलिए करते हैं स्टार्ट कंप्लीट नाउ स्टार्ट। हाइनी बाउंस ऐसे आपको प्रॉपर हाइनी बाउंस आना चाहिए आपका बिल्कुल भी। कहीं की फॉर्म अच्छे से नहीं आ पाती है, जब फॉर्म सही नहीं आ पाती है वर्कआउट आप सही से नहीं कर पाएंगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट आना है वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। और आप जिस चीज़ के लिए ट्रेन होना चाहते हैं, मतलब कि आपके जो स्टेप गिरने वाले हैं वो सही से नहीं गिर पाएंगे, तो आपको ऐसे 30 सेकंड तक हाइनी बाउंस लगाना है। 22 सेकंड हो चुके, 23, 24, 25, 26, 27 और इसके बाद आपको तो जैसे ही आपकी हाइनी बाउंस हो जाती है उसके बाद आप 30 मीटर तक आपको रनिंग करना है, थोड़ा सा पेस रखें और फिर स्लो स्लो में उसे छोड़ें। इसके बाद हाइनी डबल लेग स्टैंडिंग जंप करना है। कैसे करना है देखिए, ये आपको ऐसे करना है, 30 सेकंड आपको ये करना है, प्रॉपर ऐसे ही चलना चाहिए आपकी। अगर आपको रनिंग में सुधार लाना है, जल्दी सुधार लाना है, आपके स्टेप सही करना है तो आपके मूवमेंट पूरे एक्सरसाइज के मूवमेंट बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। आपको फिर से रन करना है नाउ स्टार्ट, फिर से आपको 30 मीटर रन करना है। और दोस्तों अगला वीडियो आपको अगली एक्सरसाइज करना है जंप विद स्क्वेट, कैसे लगाना है स्क्वेट जंप। देखिए ऐसे स्क्वेट जंप लगाना है आपको, और वो भी 30 सेकंड ही लगाना है। 30 सेकंड के बाद आपको 30 मीटर रन करना है और फिर से नई एक्सरसाइज, मतलब ये पांच एक्सरसाइज के जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ ये पांच एक्सरसाइज आप कंटिन्यू करेंगे। आपको 3 बार एक्सरसाइज करना है और आप उसके बाद रिजल्ट देखिए, अपने आप में थकावट देखिए कि कितने आपकी बॉडी जोर लगाती है। ओके रन, ऐसे आपको फिर से 30 मीटर रन करना है। नेक्स्ट आपको चौथी एक्सरसाइज करना है स्क्वेट लगाना है। स्क्वेट कैसे लगाते हैं देखिए, ऐसे आपको स्क्वेट लगाना है। आपको कई बार गलत करके ये आपको बिल्कुल नहीं करना है ना, ये ऐसे गलत नहीं लगाना है, आपको प्रॉपर लगाना है, ये प्रॉपर तरीका है। आप ऐसे प्रॉपर तरीके से स्क्वेट लगाएं और आपको फिर से स्क्वेट लगाना है। 30 सेकंड आपको स्क्वेट लगाना है फिर से, और 30 सेकंड स्क्वेट लगाने के बाद आपको फिर से 30 मीटर रन करना है। अब मूव कर जाना उधर रन करना है। ओके रन, पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज है आपकी पुशअप्स। 30 सेकंड तक आपको पुशअप्स लगाना है और 30 पुशअप्स में आपका कम से कम 30 पुशअप्स लग जाएगी आपकी 30 सेकंड में। ऐसे आपको पुशअप्स लगाना है और उसके बाद आपको फिर से रनिंग करना है 30 मीटर। ओके कंप्लीट नाउ स्टार्ट, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने आपको पांच एक्सरसाइज बताई है, पांच एक्सरसाइज को आपको 3 बार करना है, बीच में 30 मीटर रन रखना है, स्टॉप वॉच आपको साथ में रखना है। आप करके देखिए 3 बार आप स्टार्ट में करेंगे तो आपको काफी मजे आने वाले हैं। अब इसके बाद आपको लगाना है पांच स्प्रिंट कितने मीटर की, 100 मीटर की आपकी स्प्रिंट होना चाहिए। और आप अपनी पहली स्प्रिंट में कम से कम 80% ही अपना दम रखें, मतलब पहली बार में ऑल आउट नहीं भगना है आपको, पूरा एक ही बार में नहीं भग जाना है, 5 बार आपको लगाना है कम से कम। 5 बार आप जब लगाएंगे तो आप उस दिन का वर्कआउट में अपने आप को अच्छे से एनर्जेटिक फील कर पाएंगे और आप अगले दिन जब जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी हुई नजर आएगी। तो कैसे आपको लगाना है ऑल आउट बता देता हूं कि लास्ट वाला पांचवा कैसे लगाना है आपको स्प्रिंट। ओके तो दोस्तों ये रहा वर्कआउट आपका एक दिन का। आप अब ये किसी भी दिन आप कर सकते हैं, मंडे से लेके फ्राइडे के बीच में, सैटरडे दूसरा वर्कआउट रहता है,
एक दिन आप ये वर्कआउट करके देखिए, मॉर्निंग के टाइम पर आप यकीन मानिए आप किलोमीटर दौड़ना भूल जाएंगे। आप ये वर्कआउट से ही आपकी अच्छी से स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, आपका एंड्योरेंस अच्छा कर सकते हैं, आपकी स्पीड अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत में एक ही बात बोलूंगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर आपको कमेंट में मिल जाऊंगा। कमेंट आप करेंगे तो इंस्टाग्राम पर मिलूंगा, कपिल यादव फोर्स नाम से। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।